डर अभी तक गया नहीं है मन से दिमाग से, बहुत ही डर गई थी यार। पूरा ऐसे एक जर्क आया पूरा ऐसा। ये ऐसा है कि जो तुम है ना मौत को ऐसा टच करके निकल के ना, वैसा वाला सीन है। उसके लिए ओम नमः शिवाय। वापस जाने का टाइम हो गया है, एक घर छोड़ के दूसरे घर जाना टाइम हो गया, अपना घर बॉम्बे में। ये अभी एयरपोर्ट पे हम लोग बैठे हुए हैं, सब सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ हो चुका है। 2022 दुर्गा पूजा एक बहुत धमाकेदार समय के साथ ख़त्म हुआ, और ये देखो उदास बैठी है अपने घर वालों को छोड़ के। बीच में बहुत सारा रोना धोना हुआ था, इसलिए हमने शूट नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए, प्राइवेट चीज़ है, इमोशंस है। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं, यहाँ से कलकत्ता, कलकत्ता में ब्रेक, और उसके बाद फिर कलकत्ता टू मुंबई। ये जो मास्क पहना के बैठा दिया हमको, जो सिक्योरिटीज़ है वो खुद नहीं पहन रहे, बस हमको पहना रहे हैं, ठीक है। अभी 8:30 तक हम लोग घर पहुंचने की प्लानिंग है, तो अगर पहुंच जाए टाइम पे फिर से हम बात करेंगे, एक बार पहुंच के बीच में टाइम मिला तो ज़रूर बात करेंगे। कलकत्ता ब्रेक टाइम 15 मिनट का ब्रेक है, सामान ऑटोमेटिक जाएगा, हम लोग जाएंगे अभी 2-3 घंटे में हम लोग मुंबई में होंगे। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, बढ़िया, मुंबई पहुंच के बात करते हैं। वैसे मधु कह रहे थे कि कहीं पे अनाउंसमेंट हुआ, वेदर बहुत खराब होने वाला है, फ्लाइट तो वैसे डिले हो चुका है, देखते हैं अभी आगे चल के। मैंने बोला था ना बहुत क्लाइमेट खराब होने वाली है, मैंने क्लाइमेट रिपोर्ट में देखा था कि बहुत बारिश होने वाली है, बट अगरतला से आते वक्त कोई बारिश नहीं थी। जब कोलकाता में लैंड हुए तो यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही मतलब क्लाउड्स थे, अभी यहाँ पे बारिश भी हुई थोड़ी देर पहले। ये अभी भी क्लाउड है, वैसे देखो ना अभी क्लाउड है, बट ये बारिश, ये बारिश वाला क्लाउड है क्या? ये शायद बारिश वाला क्लाउड नहीं है। नहीं, रिपोर्ट में तो दिखा कि बारिश है, परसेंटेज दिखा रहा है, अभी देखते हैं। फिर इसमें टेक ऑफ नहीं करना चाहिए था हमको, टेक ऑफ तो भी हो गया अभी, अभी चलो देखते हैं अभी क्या। टेक ऑफ नहीं करना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है, फ्लाइट का टाइम है, हर कोई बैठेंगे। देखो हम कलकत्ता छोड़ के निकल लिए, देखो क्या मस्त लग रहा है, नीचे का सिटी पूरा बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ये चलो अभी देखो शिवाय, बहुत गंदा आवाज आ रहा है। सबसे खतरनाक वाला फ्लाइट खत्म हुआ, हम लोग लैंड करें, अगर मुझे पायलट साहब दिख गया ना तो मैं पैर छू के प्रणाम करूंगा उसको, और बाकी अपना महादेव जी बैठे हुए थे। आखिर में पहुंच गए मुंबई और बारिश, मुंबई वाली बारिश। कहां से आ रहे हो? अभी हम लोग कलकत्ता से आए भाई, गर्मी है उधर, बहुत ज्यादा गर्मी है उधर अभी, तो इधर भी गर्मी था, तो पूरी गर्मी का कमाल हो गया है। जाते वक्त भी बारिश थी ना? जाते वक्त भी बारिश थी, एक्चुअली इधर बारिश थी और उधर गए तो उधर बारिश नहीं है, अभी एक हफ्ता बाद भी यहाँ पे बारिश है और उधर गर्मी है। बट वहाँ पे जितनी गर्मी थी ना, उस गर्मी के सामने ये बारिश हमको बहुत अच्छा लग रहा है। उधर 32 चल रहा था ना,
32 चल रहा था लेकिन 38 जैसा लग रहा था, वो गूगल भी बोल रहा था कि 38 जैसा है। यहाँ पे अभी 25 या 20 ऐसे कुछ दिखा रहा है। डर अभी तक गया नहीं है मन से दिमाग से। ये टर्बुलेंस जो है ना, ये टर्बुलेंस बहुत बुरी चीज है। जिस तरह का वो फ्लाइट का सिचुएशन हुआ था, हमको सच में ये लगा था कि शायद आज ये आखिरी दिन है। नहीं सही में, मतलब हम दोनों तो बहुत ही डर गए थे। ऐसे पूरा बाउंस पूरा ऐसे एक जर्क आया, पूरा ऐसा जर्क आया और ऐसा लगा कि बस आप फ्लाइट अब नीचे जाने वाला है, सीधा नोज डाइव करेगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस कोई आम एक्सपीरियंस नहीं है। ये ऐसा है कि जो तुम है ना मौत को ऐसा टच करके निकल के ना, वैसा वाला सीन है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब जो है कि क्या कहते हैं उसको, एक बैड सिचुएशन जो निकल गया लाइफ से, इसलिए उसके लिए ओम नमः शिवाय। वो शायद था ऊपर इसलिए हो चुका है, हम लोग बच गए और अभी आज हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंच के फ्रेश होके हमारे बच्चे भी घर आ गए, वो हॉस्टल में उनको रखा था, उनको लेके आ गए हम लोग। अंदर खाना खा के वो सो रहे। इसमें कोई भी कभी भी कुछ भी फंस सकता है। तुमको कैसा लग रहा था जब वहाँ पे जब एकदम से? अरे मैं तो इतने जोर से चिल्लाई, तुमने देखा ही है सुना ही है करके। सब लोग एक साथ चिल्ला पड़े ना उधर। और उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, फोन पूरा हिल रहा था, पूरा फ्लाइट हिल रहा था। अजीब सा एक सिचुएशन था, मतलब पता नहीं, एक तरह से वो फनी भी लग रहा था कि मैं मौत के मुंह में खड़ा हूँ और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं हंस भी नहीं पा रहा हूँ इस सिचुएशन पे, इतना सीरियस था वो एक्चुअली। खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग आ गए मुंबई, खाना भी खाया, बहुत आंखों में नींद भरी पड़ी है, बहुत टायर्ड है। तो हम सोचे थे अभी हम सो जाए। इनफैक्ट मधुचंदा तो आ नहीं रही थी कैमरा पे क्योंकि बहुत बिजी थी, पूरा घर साफ करके अरेंज करके, गंदा पड़ा हुआ था पूरा क्योंकि 10 दिन से हम लोग थे नहीं, तो इतनी एनर्जी तो मेरे में भी नहीं होता है। अभी नहा धो के खाना खाया, बहुत ही टायर्ड है। तो अब एक काम करते अगले व्लॉग पे मिलते हैं। बिल्कुल, सबको नमस्कार हमारे ओर से। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपका सपोर्ट मिलता रहे, बस यही हमारे लिए बहुत है। गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।